जैसे ही मैं यार्ड में पहुंचा तो मुझे एक गजब सी गाड़ी दिख रही है। दोस्त के तरफ से आवाज आ रहा था कि यार थोड़ा सा रेंज रोवर टच फील आ रहा है, पर वो नहीं है, ये सिंपल इनपुट है बोलेरो नियो प्लस। अब देखिए इसकी पूरी डिटेल्स मैं क्विक में बताने वाला हूँ। अगर आप इसका आराम से लॉन्ग रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वो चैनल पर डाल दिया, आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल अगर लमसम के साथ शुरुआत करूँ तो कुछ ये लेंथ यहाँ तक था, जिसमें अब 9 सीटर होने की वजह से यहाँ तक वो बढ़ गया। ठीक, पहला इनपुट। चाबी अब कैसा है, तो वही सेम इनपुट के साथ जो चाबियाँ मिलती थी, ऐसा कोई स्पेशल चेंजेस नहीं है। बट मेन जो खेल है वो इसका बता देता हूँ। P4 के कंपेयर पे ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको एक अच्छे इनपुट के साथ अलॉय का सेटअप मिलता है, अपोलो के टायर्स मिलते हैं, और सेक्शन में बोलूँ तो 215/70 R16 इंच के मिल जाते हैं। सामने ये रहा कुछ क्रोम इनपुट, जो कि एक पैमाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सिंपल हेलोजन के सेटअप मिलते हैं, बल्ब पैटर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर मिरर, पर टॉप मॉडल में भी आपको बॉडी कलर डोर्स नहीं मिलेंगे। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप नोटिस करिएगा, ये जो डिज़ाइन है ना, ये लहर होके वो जा रहा है एंडिंग तक। बाय चांस अगर इसमें बॉडी कलर देते तो ये वाइट के साथ मैचिंग नहीं लगता, पर फिर भी मेरा एक सजेशन है कि अपग्रेडेशन के तौर पे अगर कुछ रहेगा तो इसमें शायद पियानो ब्लैक टेनिस टच वाला ही कोई अगर आता है तो आप लगवा लीजिएगा, वो भी ज़्यादा बेहतर साबित हो। पर ये ब्लैक है, ये ऑफ बीट ब्लैक है, उसमें अगर ये पियानो ब्लैक रहेगा तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा खटकेगा। तो नोटिस कर लीजिएगा जो भी आपका फैसला होगा, अदरवाइज वो डिज़ाइन कंडीशन ठीक लग रहा है। तो बहुत सारे लोग का जो कन्फ्यूजन था कि डो हैंडल्स को बॉडी कलर में क्यों नहीं दे रहे, तो ये था कुछ रीज़न। अब सेंटर में महिंद्रा का लोगो, इसके अलावा लेफ्ट साइड कंट्रोलिंग के लिए जैसा आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। चालू जैसे मैं करूँ गाड़ी को तो MID चालू होगा, बोलेरो लिखाएगा, नियो लिखाएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ स्क्रीन का कितना टाइमिंग है, तो नोट करते रहिएगा। सबसे पहले महिंद्रा, उसके बाद एंड्रॉयड, अब काउंट करिएगा कितना सेकंड। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट टू इट, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि एंड्रॉयड स्लो है कि फास्टर या और बेहतर हो सकता है। तो ये अभी चल ही रहा है, ठीक, अभी तक ये ऑन नहीं हुआ है, और MID पूरी तरीके से ऑन होके फिट हो गया है, और फाइनली अब ये डिस्प्ले पे आ गया। तो इतना सेकंड ये थोड़ा चलता है, मतलब एंड्रॉयड का थोड़ा सा लोअर वर्जन है टॉप मॉडल में, पर आप बेस मॉडल लेते हो अपने हिसाब से इतने नान से जो अपडेटेड एंड्रॉयड है वो लगवा सकते हैं। बट फिर भी अगर आप P10 लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, ये बताना मेरा फर्ज था। उसके अलावा यहाँ पर देख रहे होंगे तो मल्टी कलर्स ना देते हुए ड्यूल कलर को चूज़ किया गया, पर एक और एक इनपुट है मैं आपको बताता हूँ। ये ऑफ बिट ब्लैक है, ये समझ लीजिए दूसरा स्किन कलर। यहाँ पर देखिएगा पियानो ब्लैक टच है, ये सिल्वरिश इनपुट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ भी क्रोम टच दिया हुआ है, वही एज इट इज़ आपको इस साइड भी वैसे ही मिल जाता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से नीचे कंट्रोलिंग्स के लिए कुछ इस प्रकार के इनपुट दिए हुए हैं, और वहीं पर सीट तो इस प्रकार का टेक्सचर डिज़ाइन, जो ऑफकोर्स टॉप मॉडल के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस देना था, पर सबसे बेहतर जो मुझे लगा वो मैं बताता हूँ, कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है यार, एक पैमाने पे बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। 6-speed गेयरबॉक्स के साथ आता है, और एक गजब इंजन जो दिया हुआ है, अच्छा किया कि बोलेरो नियो के कंपेयर में प्लस में थोड़ा बेहतर दिए। वो क्यों दिए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर उसे नहीं देते तो 9 लोग का भार वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, इसीलिए ये इनपुट उनका ज़रूरी था। फिर जैसे पीछे की तरफ मैं जाऊँ तो यहाँ पर लास्ट में बोलेरो का इनपुट रहेगा टायर के ऊपर सेपनी में, वो मैं आपको रख के बता दिया था। 3 लोगों के बैठने के लिए सफिशेंट जगह है, और पीछे जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद कितना स्पेस रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही साथ पीछे जैसे जाएंगे तो बैकलैम का सेटअप, P10 लिखा हुआ है स्टेपनी के ऊपर जो लगेगा, कवर मैं आपको अंदर दिखा दिया था, और खोलने पर भाई साहब एक जिगांटिक स्पेस। पहले क्या था, बहुत कंजेस्टेड था, सिर्फ बच्चे बैठ सकते थे, अब मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत लेग स्पेस आराम से मिल जाएगा, और अगर आप उसे फोल्ड करते हैं तो देखिएगा इस प्रकार के सफिशेंट जगह मिल जाता है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। अब बताता हूँ कीमत के बारे में, तो ये जो जिगांटिक व्हीकल देख रहे हैं ये मेरे सिटी में जा रही है 14,94,000, आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा। इस वेरिएशन के हिसाब से आप बताइएगा कि क्या ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि 15 लाख के इनपुट पे ये व्हीकल डिज़ाइन एलिमेंट में जो थोड़ा सा खटकता है, क्योंकि यहाँ से भले वो रेंज रोवर दिखे, पर वहीं पर मैं अगर आपको दूसरी चीज़ दिखाऊँ ना तो वो थोड़ा सा आउटडेटेड डिज़ाइन फील होता है। तो इस कंडीशन के साथ क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं, कमेंट डाउन बिलो।